वेलकम टू नेक्स्ट क्लास माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो के थ्रू आपको पूरी एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट होने जा रही है, जो मीन पर बेस्ड है। मीन निकालने के टू मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड एंड अज्यूम्ड मीन मेथड। हर टाइप के क्वेश्चन मीन पर बेस्ड आपके इस वीडियो में कंप्लीट होने जा रहे हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड माय डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इस क्वेश्चन में आपके सामने डायरेक्ट मेथड से कैसे सोल्व करते हैं ये क्वेश्चन है। दिस इज डेली वेजेस, आपके सामने डेली वेजेस है 500 रुपीज टू 520 रुपीज, 520 रुपीज टू 540 रुपीज। किसकी वेजेस है? नंबर ऑफ वर्कर्स, ये है नंबर ऑफ वर्कर्स, यानी 560 रुपीज से 580 रुपीज तक कितने वर्कर्स की वेजेस है? 60। इस तरह से आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन फाइंड मीन ऑफ डेली वेजेस बाय डायरेक्ट मेथड। आप डायरेक्ट मेथड से कैसे निकालेंगे देखिए माय स्टूडेंट्स, एक सिंपल मेथड है, आइए और देखिए। सबसे पहले आपने क्या करना है, टेबल अपनी तैयार करनी है। उस टेबल में आपको क्लास इंटरवल, दिस इज क्लास इंटरवल माय स्टूडेंट्स, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, दिस इज क्लास इंटरवल। आपने क्लास इंटरवल कॉपी किया। मीन निकालने के लिए माय स्टूडेंट्स आपको मीन का फॉर्मूला, मीन इक्वल सिग्मा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा सिग्मा मीन सम ऑफ ऑल, सम ऑफ ऑल, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, फॉर्मूला याद रखना है डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला। इसमें क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, एक्स एक्स वैल्यू है, एक्स क्या होती है? मिड वैल्यू, मिड वैल्यू। मीन निकालने के लिए आपको एक्स यानी मिड वैल्यू यानी क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। ये बहुत इजी है माय डियर स्टूडेंट, इसमें आप सिंपली निकाल सकते हैं क्लास मार्क। कैसे? इन दोनों अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच की मिड वैल्यू, ये आपको ओनली पता चल सकती है। कैसे? 500 520 के बीच की वैल्यू 510, 520 और 540 के बीच की वैल्यू 530, 540 550 के 60 के बीच की वैल्यू 550, ओनली मुझबानी आपको पता चल रही है। अगर ना पता चले तो माय डियर फ्रेंड्स आपके सामने फॉर्मूला है मिड वैल्यू निकालने के लिए, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन टू। जैसे ये है, इसकी अपर लिमिट 520 है, लोअर लिमिट 500 है, तो 520 प्लस 500 अपॉन टू, तो ये हो जाएगा आपका 10 माय डियर फ्रेंड्स 1020 अपॉन टू। 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 510। तो लीजिए इस तरह से आप अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 करके भी निकाल सकते हैं, ओनली भी निकाल सकते हैं, या फिर ये आपके सामने फॉर्मूला है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 इससे। तो ये आपके सामने आ गई एक्स की वैल्यू, मिड वैल्यू। उसके बाद एफ, एफ क्या? फ्रीक्वेंसी। जो नीचे वाली कॉलम होता है माइनस पॉइंट से फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, ये है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी आपने कॉपी करी। उसके बाद करना एफ एक्स, यानी एफ और एक्स के दोनों की मल्टीप्लाई करनी माइनस स्टूडेंट्स। लुक एट हियर, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे ये एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स, ये आपके सामने आ चुकी है। उसके बाद जैसे कि आपको फॉर्मूला पता है मीन इक्वल सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो आपने क्या करना है सिग्मा एफ, यानी एफ इज सम, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी सिग्मा एफ, इन सब का सम करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, ये आ गया 50। फिर सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स, सम ऑफ ऑल एफ एक्स, तो ये सब का सम करेंगे ये आ गया। उसके बाद इनकी वैल्यू आपको इस फॉर्मूले में पुट करनी है, मीन इक्वल सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, वैल्यू पुट करी, डिवाइड किया 545.20 रुपीज, ये आंसर आ गया। तो माय डियर स्टूडेंट इसका जो आंसर आएगा उसको भी आप गैस कर सकते हैं। मिनिमम वेजेस है 500, मैक्सिमम वेजेस है 600, आपका आंसर 500 और 600 के बीच में ही आना चाहिए, ये गैस कर लेना 500 और 600 के बीच में ही आना चाहिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ ऑफ एक्सरसाइज 14.1। जैसे कि आपको पता है मीन में माय डियर स्टूडेंट्स एक ही टाइप है, दो मेथड से करना है, एक तो डायरेक्ट मेथड, एक अज्यूम मीन मेथड। नाउ लुक एट डायरेक्ट मेथड से मैं करा रहा हूं, इस क्वेश्चन को देखिए। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपने करा उसमें डायरेक्ट मेथड निकालने का पूरा मेथड आपने सीखा। नाउ लुक एट ये भी वही है, बट इसमें थोड़ा सा चेंज है। चेंज का है? चेंज है क्लास इंटरवल में माय डियर स्टूडेंट्स। लुक एट दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ए एक्सरसाइज 14.1 क्लास इंटरवल माय डियर स्टूडेंट्स। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात पर, वही आपको देखना, बाकी सारा मेथड वैसे ही है। फर्स्ट क्लास इंटरवल 0 to 6, सेकंड क्लास इंटरवल 6 to 10, देन 10 to 14। अगर आप इनका साइज देखें, क्लास साइज, क्लास साइज, तो 6 में से 0 माइनस करेंगे तो 6, 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4। अगर आप इनके क्लास साइज को देखेंगे तो सब में अलग अलग आ रहा है। 6 और 0 टू 6 क्लास साइज क्या हो गया 6, 6 टू 10 क्लास साइज क्या हो गया 4, 10 टू 14 क्लास साइज क्या हो गया 4, 14 टू 20 क्लास साइज क्या हो गया 6। तो
तो माय डियर स्टूडेंट्स अगर आप इनके क्लास साइज को देखेंगे 2028 क्लास साइज क्या आ गया 8, इसमें कितना क्लास साइज क्या आ गया 10, यहां पे क्लास साइज क्या आ गया 2। अगर आप इनके क्लास साइज को देखेंगे तो क्लास साइज हर एक में डिफरेंट है, इसलिए बच्चा कंफ्यूज हो सकता है कि सर क्या इस क्वेश्चन को उसी तरीके से करना है या कुछ और तरीका है। माय डियर स्टूडेंट मेथड वही है, पर ध्यान क्या रखना, आइए ध्यान ये रखना कि सबसे पहले आपने वही क्लास इंटरवल उतारा, कॉपी किया, अपनी टेबल बनाई जैसे आप बनाते हैं यूजुअल, उतारा क्लास इंटरवल, उसके बाद आपको क्या करना माय डियर स्टूडेंट्स, इनका मिड पॉइंट देखना, हर एक के मिड पॉइंट को अलग अलग लेके चलोगे तो सही। 0 और 6 के बीच का मिड वैल्यू 3, 10 और 6 के बीच के मिड वैल्यू 8, 14 और 10 के बीच का डिजिट 12, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो हर एक के बीच की मिड वैल्यू अलग अलग तरीके से लेनी है, नहीं तो फॉर्मूला ये आपके पास सही है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, अगर इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करोगे 24, 38 प्लस 28 अपॉन 2 33, इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे 38 प्लस 40 अपॉन 2 दैट विल बी 78 अपॉन 2 दैट विल बी 39, तो ये आगे 39। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आप इनके क्लास इंटरवल को मिड वैल्यू को निकालेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो क्लास साइज अलग अलग होते हुए भी करना उसी मेथड से, करना वैसे ही है, बट जो एक्स है जो मिड वैल्यू जो क्लास में आता है वो उन दोनों के बीच की वैल्यू आपको लेनी है, बाकी एज यूजुअल ये आपकी फ्रिक्वेंसी है। देन एफ इनटू एफ डायट मेथड है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डायट मेथड, मीन इक्वल सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, इस तरीके से आप करेंगे तो 3 की इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे आप तो ये आपके पास एफ एक्स आएगा, फिर सबका सम करेंगे तो सिग्मा एफ की वैल्यू आएगी, इन सबका सम करेंगे सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आएगी, फिर मीन इक्वल सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, डायट मेथड का फॉर्मूला है, तो एफ एक्स का सम आपने निकाल लिया ये रहा, सिग्मा एफ एफ का सम निकाल लिया आपने ये रहा, वैल्यू पुट करी वे आंसर है, 12.475, 12 पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो 5 को यहां से हमने रिमूव कर दिया, 5 को रिमूव करते यहां पर 8 आ गया, 1 हमने प्लस कर दिया, तो 12.48 डेज। डेज इसलिए लिखा क्योंकि जो भी ऊपर लिखा है इसी का मीन निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ डेज इसका मीन निकालें जिसको फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो माय डियर फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन में क्या एक अलग थोड़ा सा डिफरेंट भी था, तो थैंक यू वेरी मच, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, friend, look at this question now. This is the question number 3rd of topic mean exercise 14.1. My dear friend, देखिए आपने पहले इसी वीडियो में 2 क्वेश्चन देखे मीन निकालने के डायरेक्ट मेथड से, नाउ लुक एट इट, ये क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है पर थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है। नाउ इसमें क्या देखिए, क्लास इंटरवल आपके सामने है, फ्रीक्वेंसी आपके सामने, बट यहाँ पे क्या है फ्रीक्वेंसी, दिस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं, माय डियर स्टूडेंट लुक एट हियर, एफ एफ गिवन, इसकी वैल्यू गिवन नहीं है, बट हियर मीन इज गिवन, मीन इज 18, मीन दे दिया गया है, मीन गिवन है और आपको इस एफ की वैल्यू निकालनी है, तो मतलब वही फॉर्मूला तो मीन का ही लगेगा, सारे स्टेप मीन के ही फॉलो करेंगे क्योंकि मीन हमको पता है, बट हमें एफ की वैल्यू निकालनी है। नाउ लुक एट हियर, जैसे कि आपको पता है सबसे पहले आप टेबल तैयार करेंगे, क्लास इंटरवल ये रहे क्लास इंटरवल आपने कॉपी कर लिया, उसके बाद x, x आपको पता है माय डियर स्टूडेंट मिड वैल्यू, तो मिड वैल्यू कैसे 11 और 13 के बीच की वैल्यू, 11 13 के बीच की वैल्यू 12, 13 और 15 के बीच की वैल्यू 14, इस तरह आपने x की वैल्यू भी निकाल लेनी है, मिड वैल्यू आप ओनली भी निकाल सकते हैं, मिड वैल्यू आप जैसे कि आपको बताया फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। उसके बाद माय डियर मिड वैल्यू निकल आई आपकी, दैट ये है आपकी फ्रीक्वेंसी आपने कॉपी करी, तो सारा सिस्टम वही है। उसके बाद एफ इंटू एक्स यानी एफ एक्स, एफ एक्स आपको निकालना क्योंकि फॉर्मूला जो है मीन इक्वल सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है। इसके बाद सब कुछ करने के बाद माय डियर स्टूडेंट लुक एट इट, जहां पे आपको करना क्या है 12 7 4, इस तरह आपने एफ फोर एक्स, एफ फोर एक्स की मल्टीप्लाई करके यहां लिखते जाएंगे 20 into f 20f, इस कॉलम को ध्यान से रखना 20 into f 20f, बाकी सारी वैल्यूज आपको पता ही है मल्टीप्लाई आपने कर दी है, बट 20 into f 20f, अब क्या करना है आपने माय डियर स्टूडेंट्स एफ यानी फ्रीक्वेंसी का सम करना है सिग्मा एफ, एफ का सब सिग्मा एफ, तो आप क्या करेंगे 7 6 9 13 5 और 4, इन सबको प्लस करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे आएगा 44, उसके बाद जो एफ का है प्लस एफ, क्योंकि हम
प्लस कर रहे हैं तो प्लस एफ मल्टीप्लाई में कई बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं 44f लिख देते हैं 44f का मतलब होता है मल्टीप्लाई हो रही है बट हमें सम करना है तो बाकी सब डिजिट जो गिवन है उनके प्लस करा एफ को प्लस एफ लिख दिया। सिमिलरली हियर इन सब का सम करेंगे 1 2 3 4 यह 20f इसको छोड़ देंगे बाकी 1 2 3 4 5 6 इनका सम करेंगे 792 आएगा। फिर 20f प्लस 20f प्लस 20f कई बच्चे इसमें क्या मिस्टेक करते हैं 20 को भी प्लस कर देते हैं। माइनस में 20f एक सिंगल डिजिट है 20f इसको आप अलग से ही प्लस 20f लिखेंगे ठीक। तो ये आपके पास सिग्मा एफ आ गया सिग्मा एफ एक्स आ गया। अब आपने क्या करना है मीन का आपने फॉर्मूला अप्लाई किया डैट मेथड का मीन की वैल्यू 18 सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आपने पुट करी जो आपके पास वैल्यू आई और सिग्मा एफ की वैल्यू आपने पुट करी जो आपके पास सिग्मा एफ यानी सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी है पुट करी। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे आपने क्या किया देखिए यहाँ पे दोनों कोई एड नहीं हो रहा कुछ नहीं हो रहा इसके अपॉन में 1 लगाया कर दी क्रॉस मल्टीप्लाई इसके मल्टीप्लाई 1 से करेंगे सेम ही आ गए 18 के मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे और 18 के मल्टीप्लाई एफ से दोनों से करेंगे जैसे आपको पता ही है 18 मल्टीप्लाई बाय 44 792 18 मल्टीप्लाई बाय एफ 18f सब आपके सामने आ गया। नाउ माय डियर एक इक्वेशन तैयार हो गई है अब आपको एफ की वैल्यू निकालनी है तो जो एफ एफ वाली वैल्यू है एक ही साइड आप शिफ्ट करेंगे जैसे कि 20f लेफ्ट साइड है तो 18f को भी आप लेफ्ट साइड लिया माइनस के 18f 792 यहां पर है कांस्टेंट वैल्यू इसको उधर शिफ्ट कर दिया माइनस तो क्या आपका रिमाइंडर बचा 20f माइनस 18f 2f और इसमें सेम माइनस किया 40f की वैल्यू आ गई 40.2 f इक्वल 20। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यस माय डियर स्टूडेंट लुक एट हियर जैसे कि आपको पता है कि पूरा मीन एक ही वीडियो में कंप्लीट होने जा रहा है। नाउ लुक एट हियर दिस क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.1 माइनस से इस क्वेश्चन को हम निकाल रहे हैं अज्यूम्ड मीन मेथड से जैसे कि आप तक आपने जितने भी क्वेश्चन करे सारे आपने करे डायरेक्ट मेथड से बट ये क्वेश्चन आप निकालने जा रहे हैं अज्यूम्ड मीन मेथड। माय डियर अज्यूम्ड मीन मेथड जिसको हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाती है। आइए कैसे करते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड से क्वेश्चन को सोल्व। माय डियर क्वेश्चन आपके सामने है इस क्वेश्चन में एक चीज और आपको नोट करनी है माय डियर लुक एट हियर क्लास इंटरवल को आप देखेंगे तो क्लास इंटरवल माय डियर स्टूडेंट्स 50 to 52 बट हियर 53 to 55 मतलब कंटिन्यूअस नहीं है क्लास इंटरवल इज नॉट कंटिन्यूअस। और जब क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस नहीं होता तो कई क्वेश्चन में हमें इसको कंटिन्यूअस बनाना पड़ता है पर मीन में ऐसा आपको कुछ नहीं करना मीन में क्लास इंटरवल कैसा भी गिवन हो नो प्रॉब्लम एट ऑल आपको तो केवल एक्स निकालना है ठीक। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस नहीं है 52 के बाद 53 55 का 56 इट इज नॉट कंटिन्यूअस बट इट्स ओके आपको कुछ नहीं करना है जैसा आप करते हैं आप ऐसा करते रहेंगे ठीक। सबसे पहले आपने क्लास इंटरवल यहाँ पे कॉपी किया उसके बाद एज यूजुअल जैसे आप एक्स निकालते हैं मिड वैल्यू आपने एक्स निकाला 50 और 52 के बीच में 51 53 और 55 के बीच में 54 56 और 58 के बिल्कुल बीच में मिड वैल्यू 57 59 और 61 के बीच 60 तो इस तरह से आपने मिड वैल्यू निकाल ली उसके बाद आपने फ्रीक्वेंसी कॉपी कर ली। अब इस क्वेश्चन में क्या है अज्यूम्ड मीन मेथड है डायरेक्ट मेथड से थोड़ा अलग है डायरेक्ट मेथड में आपको पता सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ था बट यहाँ पे ऐसा नहीं है यहाँ पे अज्यूम्ड मीन मीन को पहले से आपको अज्यूम करना है अज्यूम मतलब पहले से अपने दिमाग में आपको मान लेना है कि आंसर ये आएगा क्योंकि आंसर आप किसका निकाल रहे हैं एक्स का इसका मीन निकाल रहे हैं यानी जो क्लास इंटरवल था इसका मीन निकाल रहे हैं लेकिन इसको हमने इसकी मिड वैल्यू निकाल दी है तो आपका आंसर 51 और 63 के बीच में आएगा जिसका आपको मीन निकालना है। इसलिए आप क्या करेंगे इनमें से पहले से ही अपने माइंड में कोई मीन अज्यूम कर लेंगे कोई मीन पहले से सोच लेंगे जैसे कि मीन जो वैल्यू होती है वो मिड वैल्यू 51 और 63 के बीच में ही आएगी कुछ भी वैल्यू हो सकती है 51 और 63 के बीच में हमने यहाँ पे क्या सपोज कर लिया 57 तो यहाँ पे आपको पहले से ही जो आपके पास x वैल्यू आई है उसमें जो सेंट्रल वैल्यू होगी मेनली सेंट्रल वैल्यू उसको आप अज्यूम मीन कर लेंगे पहले से उसको आप मीन मान लेंगे। ये जरूरी नहीं है कि आप 57 को ले आप 54 को भी अज्यूम कर सकते हैं आप 60 को भी अज्यूम कर सकते हैं आंसर आपका करेक्ट आएगा बट बेटर यही है कि जो बिल्कुल सेंट्रल मोस्ट हो उसको लो। तो यहां पर मैंने 57 को ए मीन्स अज्यूम्ड मीन मैंने पहले से अज्यूम्ड मीन मान लिया कि आंसर जो है 57 है। उसके बाद ये क्या करना है आपको सबसे पहले आपको x की वैल्यू में से अज्यूम्ड मीन यानी मीन को पहले से लेना हमने लिया 57 उसके बाद आपको निकालना है डी डिविएशन
डी डेविएशन कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस ए यानी जो भी एक्स की वैल्यूज होंगी उसमें से ए यानी अज्यूम्ड मीन माइनस करना है। ये एक्स की वैल्यू है, ये अज्यूम्ड मीन है, तो ये एक्स है इसमें से ए माइनस, 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 मतलब 51 में से 57 माइनस, 54 में से 57 माइनस, और 57 में से 57 माइनस, 60 में से 57 माइनस, 63 में से 57 माइनस। तो यहां पे मैंने कर रखा है कि डी डेविएशन कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस ए, एक्स की वैल्यू में से इस ए जो भी आप अज्यूम करोगे माइनस करना है, 51 माइनस 57, 54 माइनस 57, 57 माइनस 57, 60 माइनस 57 एंड 63 माइनस 57। जब आप माइनस करेंगे तो मैंने तो क्या किया, प्लस माइनस माइनस, 57 में 51 माइनस के 6 माइनस के 3 0 3 6 ये आ गया। तो ये जो आपकी वैल्यू आई है दैट इज डी, डी माइनस में भी और प्लस में भी डी की वैल्यू आई है। अब आपकी कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगी क्योंकि जो वैल्यूज हैं छोटी हो चुकी है। उसके बाद एज यूजुअल पहले एक्स था, फिर एफ था, आपने डी डेविएशन यहाँ पे एक्स्ट्रा आपने निकाला है एक्स माइनस ए करके, फिर एफ डी, एफ डी एफ की डी से मल्टीप्लाई, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे एफ और डी यानी 15 के माइनस 6 से इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इससे, तो ये आपके सामने वैल्यू आ गई 15 6 90 माइनस 90 इसकी इससे मल्टीप्लाई करिए आ गई 135 की 0 से मल्टीप्लाई 0 आ गया, तो ये आपके सामने आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट, ये फॉर्मूला आपके पास है मीन अज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला, मीन इक्वल कैपिटल है यानी अज्यूम्ड मीन जो आपने अज्यूम किया होगा प्लस सिग्मा एफ डी, एफ डी का सम और एफ का सम, ये रहा एफ इसका सम करा आपने सबको प्लस किया 400, ये रहा एफ डी इन सबका सम करेंगे तो आपके पास 75 आएगा, क्यों ये माइनस में तो माइनस माइनस प्लस होता है, इसको हमने अलग से सम कर दिया माइनस 420, इन दोनों को अलग से हमने कर दिया माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों को प्लस करा साइन माइनस का, ये दोनों प्लस में इनको प्लस किया 495 का इजी करने के लिए। अब ये और ये माइनस का ही प्लस का प्लस माइनस माइनस होता है, 495 में से 420 आपने माइनस किया 75 बड़े की तरफ बिगर वैल्यू की तरफ साइन प्लस का तो प्लस का, तो ये आपके पास आ गया। अब आपने कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला जो अज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला है ये अप्लाई करना और वैल्यू पुट करना, ए अज्यूम्ड मीन यस 57 प्लस सिग्मा एफ डी 75 एंड सिग्मा एफ 400, जब आपने किया तो इसको 75 को 400 से डिवाइड किया तो ये आपकी वैल्यू आई, एक्यूरेट वैल्यू आई है, उसके बाद इनको प्लस किया तो ये आया। अब आप क्या कर सकते हैं डेसिमल के बाद माय डियर स्टूडेंट्स और टू डिजिट होने चाहिए, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, अगर आप इस 5 को यहां से रिमूव करोगे तो इट विल बी 8, अगर 8 को यहां से रिमूव करोगे इट विल बी 9, तो 57.19 आपका आंसर आ गया। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपने इस टॉपिक के 14.1 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं और मीन हर टाइप का मीन निकालना आपको मैंने सिखा दिया। इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें और इस एक्सरसाइज 14.1 को आप कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।